हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे वो होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और एल्डिहाइड कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जो एल्डिहाइड कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेनली उसके पोलरिटी पर डिपेंड करता है। जैसे आप एक एल्डिहाइड या कीटोन को अगर लीजिएगा तो उसमें क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है पोलर बॉन्ड है। जैसे एक कीटोन हो गया, ए वाला आपका कीटोन है और ए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और एक कीटोन है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है सी डबल बॉन्ड ओ। और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो क्या करेगा, अपने ऊपर एक निगेटिव चार्ज बनाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, माइनस आई शो करेगा, और जो है इस पे निगेटिव चार्ज और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम चीज कीटोन में भी होगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर आप देखिए तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। तो जब जब आपका डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है तो जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ जो बॉन्ड है इस केस में एक पोलर बॉन्ड है। यानी इस पोलरिटी के कारण एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, आपका एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल को डाइपोल डाइपोल फोर्स से खींचेगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन होगा वो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है तो इधर साइड में डेल्टा प्लस चार्ज है, इधर साइड में डेल्टा माइनस चार्ज है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर डेल्टा प्लस चार्ज है, इधर डेल्टा माइनस चार्ज है, तो इस दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है रिलेटिवली कम होता है। तो अगर आप अल्केन से कंपेयर करिए, अल्केन में कैसा फोर्स होता है, लंडन फोर्सेस होता है, और अल्कोहल से कंपेयर करिए तो अल्कोहल में कैसा फोर्सेस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है। तो तीन चीज से इसको कंपेयर कर रहे हैं, किस किस से कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास है अल्केन और दूसरा हो गया आपके पास है एल्डिहाइड कीटोन और नेक्स्ट आपके पास है अल्कोहल अल्कोहल। तो अब देखिए अल्केन में कैसा फोर्स होता है, अल्केन जो है उसमें लंदन फोर्सेस होते हैं क्योंकि इसमें कोई पोलरिटी डेवलप नहीं होता है, यानी कोई आयन आयन टाइप का फोर्स या डाइपोल डाइपोल टाइप का फोर्स नहीं है, उसमें वंडरवाल फोर्सेस लगते हैं। तो अल्केन के बीच में वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल्स फोर्सेस, और ये फोर्स तो हर जगह लगेगा, एल्डिहाइड में भी लगेगा, कीटोन में भी लगेगा, अल्कोहल में भी लगेगा। एल्डिहाइड में एक एक्स्ट्रा फोर्स है और वो कौन सा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और अल्कोहल में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपको सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का अल्केन दिया हुआ, एल्डिहाइड दिया हुआ, अल्कोहल दिया हुआ, सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, अल्कोहल का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन तीनों फोर्सेस में। तो हम कहें सेम मॉलिक्यूलर वेट का आपके पास अल्केन दिया हुआ है, आपके पास एल्डिहाइड दिया हुआ, आपके पास अल्कोहल दिया, सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, दो तीन यूनिट का डिफरेंस हो सकता है, तो उस केस में हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा,
वो अल्कोहल का होगा, और लोएस्ट किसका होगा, अल्केन का होगा, और मिडिल में किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा। यानी लोएस्ट हो गया आपका अल्केन का, उसके बाद एल्डिहाइड का, और सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे जैसे आप चेन बढ़ाते जाइए यानी मोलिकुलर वेट बढ़ाते जाइए, तो डायपोल डायपोल का इंट्रैक्शन फोर्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, लंदन फोर्सेस जो है मेन फोर्स होता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मोलिक्यूल का साइज अगर आपका बढ़ गया तो इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, या कहिए ओवरऑल टोटल को मिला जुला करके उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम जाएगा, लंदन फोर्स का कंट्रीब्यूशन मेन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एज मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेगा, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्सेस बिकम्स लेस सिग्निफिकेंट। तो हम कह सकते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। तो ये जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास हायर मोलिकुलर वेट का अल्केन है और एल्डिहाइड कीटोन है या फिर अल्कोहल है, अगर मोलिकुलर वेट हाई है यानी हाई मोलिकुलर वेट, तो क्या हो जाएगा, इस तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो सिमिलर होगा, सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अभी भी डिफरेंस होगा, अभी भी अल्कोहल का ज़्यादा होगा, उसके बाद कीटोन एल्डिहाइड का होगा, सबसे कम जो होगा अल्केन का होगा, मगर अब डिफरेंस उतना नहीं होगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, लंदन फोर्सेस जो है मेन फोर्स हो जाएगा, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए तीनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होगा, यानी कहें डिफरेंस बहुत कम का होगा, मगर अभी भी सबसे ज़्यादा जो है अल्कोहल का ही होगा, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का होगा, और सबसे कम जो है वो अल्केन का होगा। तो ये तो था मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब देखिए, कोई एल्डिहाइड कीटोन आप ले लीजिए, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये आपके पास कीटोन है और एक आपके पास एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, यानी हाइड्रोजन डोनेट तो नहीं कर सकता, मगर क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एल्डिहाइड कीटोन जो है वो एक्सेप्टर हो सकता है मगर डोनर नहीं हो सकता, एक्सेप्टर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड में एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है मगर ये डोनर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन होता तो ये डोनेट कर सकता था, मगर इसके पास डोनर की एबिलिटी नहीं है, मगर ये एक्सेप्ट अभी भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए मोलिकुल दिया हुआ है, ए मोलिकुल जो है पानी में आसानी से घुल जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ए ऑक्सीजन ए हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, पानी जो है हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है और ये जो कीटोन है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरीके से इसका एक लोन पेयर और है जो इधर के साइड में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ OH, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन जो है पानी में घुल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं लो मोलिकुलर वेट एल्डिहाइड एंड कीटोन डिजोल्व्स इन वाटर, यानी पानी में ये घुल जाएगा, डिजोल्व्स इन वाटर। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ध्यान देना है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट नहीं कर सकता।
हाँ, एक बार फिर से अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, फिर से लंदन फोर्सेस जो है मेन फोर्स होता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कार्बन चेन का लेंथ बढ़ेगा, यानी कार्बन चेन बढ़ेगा, वैसे ही वैसे क्या हो जाएगा, कार्बन चेन अगर आपका बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है घटेगा, सॉल्युबिलिटी जो है घटता जाएगा, क्योंकि इस केस में मेन फोर्स क्या हो गया, लंदन फोर्सेस हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस कमता जाएगा। बेसिकली ये जो कीटोन है इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरीके से भी यूज़ करते हैं, यानी जो है कीटोन, जैसे कि मान लीजिए एसीटोन, तीन कार्बन का जो लो मॉलिकुलर मास का कीटोन है, या ब्यूटानोन चार का अगर हो गया, CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये दोनों जो है काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये पोलर है और बहुत सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पोलर होता है, जैसे कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल ROH पोलर है, उसी तरीके से एसिड का मॉलिक्यूल RCOOH ये भी पोलर है, और आप जानते हैं लाइक डिजोल्व्स इसका कहने का मतलब हो गया पोलर जो है पोलर कंपाउंड में घुल जाएगा, यानी कि कीटोन जो है अल्कोहल के साथ घुल जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कीटोन जो है एसिड के साथ आसानी से मिक्स हो जाएगा। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास एसीटोन है और आपके पास अल्कोहल है ROH, एक बार फिर से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये आसानी से घुल जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल भी आप ROH का ले सकते हैं और इधर दूसरे लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर एसिड ले लीजिए, वो भी आसानी से कीटोन में घुल जाएगा, क्योंकि एसिड भी आपका पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट कर सकता है, एक मॉलिक्यूल इधर से आपका आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और जो है एसिड आसानी से कीटोन में घुल जाएगा। इसलिए हम लोग एसीटोन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो कीटोन है वो एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? ये जो कीटोन है आपका, जैसे एसीटोन, वो एक एग्जाम्पल है एप्रोटिक सॉल्वेंट का। एप्रोटिक सॉल्वेंट जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है, हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन जो है ये डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसीलिए जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक सॉल्वेंट होने का बड़ा फायदा है। बड़ा फायदा ये है कि न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली ट्रैप नहीं कर पाएगा। जैसे आप मान लीजिए आपके पास CH3 है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास को न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है सोल्वेट नहीं कर पाएगा। मगर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो न्यूक्लियोफाइल जो है ट्रैप हो जाता। क्या होता? न्यूक्लियोफाइल इधर है, इधर आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट है, मान लीजिए ऐसा सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये बेसिकली ट्रैप हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल का इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, पानी मॉलिक्यूल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये सब जो है प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है प्रोटिक सॉल्वेंट में ट्रैप हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये जो वाटर है या फिर अल्कोहल है, एक ऐसा सॉल्वेंट है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटिक सॉल्वेंट।
इसमें घटा यह है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है, सोलबेट हो जाता है, ट्रैप्ड। बट ऐसी टोन यूज करिएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस केस में ट्रैप नहीं हो रहा या न्यूक्लियोफाइल फ्री है और ये आसानी से जा करके अटैक कर सकता है, या हम कहें कि इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है एनायन का वो प्रोटिक सॉल्वेंट में तो घट जाता है मगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में घटता नहीं है, बेसिकली आप कह सकते हैं बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल और कहें एनायन, एनायन हैज ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कहने का मतलब हुआ अटैक करने का चांस, यानी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है तो अटैक करने का चांस क्या है वो बढ़ जाएगा। अगर यही दूसरे तरफ अल्कोहल या वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता, घट जाता। प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाता, घट जाता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है SCH3 सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे OH और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। इस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 147 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 और यहाँ पे CH2OH। इस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। बेसिकली हो क्या रहा है, इस मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ना अटैच करके इंटरमॉलिक्यूल कब होगा, इंटरमॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा तो हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बन जाए हाइड्रोजन तो हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, इसी तरीके से पूरा लैटिस जो है कनेक्टेड है, यानी कि आप बॉइलिंग पॉइंट में आप करते क्या, मॉलिक्यूल को अलग करते हैं, तो इसको अलग करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर है तो आपको हीट देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल तो पहले से ही अलग है। यानी हम कह सकते हैं जब जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है कम जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपके पास है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है इस केस में बढ़ जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। वो देख भी सकते हैं, इस कंपाउंड को अगर आप बनाइएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ COH और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये देखिए इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनेगा तो कितने मेंबर करिंग है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर करिंग बन रहा जो कि फेवरेबल है, इसीलिए इस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस है। अगर दूसरा वाला मॉलिक्यूल देखिएगा, दूसरा वाला क्या था, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और इधर पे आपका लगा हुआ CH2 मॉलिक्यूल और नेक्स्ट में C, यहाँ पे CH2O और फिर आपका लगा हुआ H। अब देखिए इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देखिए कितने मेंबर करिंग हुआ,
1, 2, 3, 4, 5, 6 सेवन मेंबर रिंग। तो इस केस में जो है आपका सेवन मेंबर रिंग बन रहा, पिछले केस में फाइव मेंबर का रिंग बन रहा था। सेवन मेंबर का रिंग फेवरेबल नहीं है, लेस चांस, इसका बनने का कम चांस है, इसीलिए इस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। मगर इस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा, और इसमें इंटरमोलिकुलर है इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा।